इंदौर जिले के गांव धुंधड़का में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ढोल ग्यारस पर्व धूमधाम से मनाया गया। दरअसल आपको बता दें, गांव धुंधड़का में एक अनोखी परंपरा है जो कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका निर्वाह आज तक किया जा रहा है। ढोल ग्यारस पर्व पर गांव के सभी मंदिरों की आकर्षक झांकियां सजाकर गांव मुख्य चौराहे से निकाली जाती है। शाम 7 बजे हाट मैदान में पहुंचकर कतार बंद लगाया जाता है। जिस झांकी में विशेष कलाकृति की जाती है, उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो इस बार रविदास समाज की झांकी प्रथम स्थान पर रही। द्वितीय स्थान पर माली समाज की झांकी तथा तृतीय स्थान पर धाकड़ समाज की झांकी ने स्थान प्राप्त किया। इन आकर्षक मनमोहक झांकियों को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कई लोग पहुंचे हैं। झांकियों के साथ साथ अखाड़े के कलाकारों द्वारा भी अपना अपना कर्तव्य दिखाया गया है। साथ ही नन्हे बाल कलाकारों द्वारा मलखम पर अपना कर्तव्य दिखाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद पंचायत मंदसौर के अध्यक्ष बसंत शर्मा, जनपद उपाध्यक्ष वीरम धनगर, भाजपा मंडल अध्यक्ष जीवन शर्मा, धुंधड़का नायब तहसीलदार राहुल जावर, दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, ग्राम पंचायत सरपंच लोकपाल सिंह सिसोदिया, ग्राम पंचायत सचिव जगदीश धाकड़ उपस्थित रहे।